चलिए, सो वेलकम एवरीवन टू योर कंप्यूटर क्लास. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर कंप्यूटर बुक, दैट इज एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड. ठीक है, हमने लास्ट टाइम ये चैप्टर कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो शैल वी स्टार्ट? दोज हु आर रेडी सेंड अ स्माइली इन द चैट बॉक्स. दोज हु आर रेडी, एक स्माइली, छोटी सी स्माइली होती ना, स्माइल वाली, वो मुझे सेंड कर दो चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लग जाए ये स्टूडेंट्स रेडी है, सो दैट वी कैन स्टार्ट. रेडी हो? यस, वेरी गुड. रिद्धिमा ने सबसे पहले किया है ना, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, स्टार्ट करते हैं. रियांश, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? अनम्यूट करो रियांश. रियांश अनम्यूट बेटे. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटे. पेज नंबर कौन सा? रुको रुको, बताती हूँ पेज नंबर, वेट करो. बच्चे पहले बुक ले आए ना, सारे बच्चे रेडी हो जाएं, फिर करते हैं. ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ योर बुक. ये हमने लास्ट वीक कर लिया था, बट आई थॉट कि एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं. ऑन पेज नंबर 57 there is an activity given, 3 words है उसमें, 3 आपको pictures given है. ठीक है, you need to identify कि कौन सी picture है. ठीक है, on page 57 of your book, सबको मिल गया lesson number 6 computer world, enter the computer world, उसमें page 57. yes, very good Manya, very good. okay, so देखे यहाँ पे first picture is of, देखो first picture किसकी है, of recycle bin. ठीक है, जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी एक डस्टबिन होता है, जिसमें अपनी आप जितनी मर्जी डिलीटेड फाइल्स हैं, आपकी कोई भी आप चीज डिलीट करते हो तो वो कहाँ जाती है, इन रिसाइकल बिन. ठीक है, ये कंप्यूटर का डस्टबिन होता है, उसके पास एक डस्टबिन है. ठीक है, उसका नेम क्या है, रिसाइकल बिन. यस रिद्धिमा, वेरी गुड. चलिए नंबर 2, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्टार्ट बटन. ये इसका नेम क्या है, स्टार्ट बटन. ठीक है, नंबर 1 इज रिसाइकल बिन, देन नंबर 2 इज स्टार्ट बटन. अब नंबर 3 पे आ गए, दैट इज टास्क बार. नंबर 3 इज टास्क बार, वेरी गुड विनायक. ओके, सो दीज आर द 3 जो आपको पिक्चर्स हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई. ये डेस्कटॉप पे आपको विजिबल होता है. डेस्कटॉप कौन सी होती है, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. जो आप सबसे पहले जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, आपको जो स्क्रीन सबसे पहले नजर आती है, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. ठीक है, चलिए अब हमने करने हैं ऑन पेज 59, शिफ्ट टू पेज 59 ऑफ योर बुक, एक पेज आगे कर लो. अब हमने इस पेज पे करने हैं क्वेश्चन आंसर. ठीक है, वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो यहाँ पे, अब मैंने देखो यहाँ पे लिखा है पेज 59, आपको पता लग गया सबको. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर आइकन्स, क्या होते हैं आइकन्स, व्हाट आर आइकन्स, हु कैन टेल मी. चलो चलो, शाबाश. द आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं. यस विनायक. विनायक अनम्यूट बेटे, योर सेल्फ अनम्यूट करो. एक्सक्यूज मी मैम, जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं. हाँ जी, जो स्मॉल पिक्चर्स ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स. ओके, चलो अब मैंने द स्मॉल सिंबल, सिंबल में तो छोटी छोटी आपको साइंस, छोटी छोटी आपको पिक्चर्स नजर आती हैं, उनको बोलते हैं आइकन्स. क्या बोलते हैं उनको, आइकन्स. स्मॉल सिंबल्स ऑन डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्मॉल सिंबल्स ऑन डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन्स. ठीक है, ये आपका है फर्स्ट आंसर. ओके, अब मेरे पास देखो कितने हैंड रेस हैं, लेट मी सी. अब सेकंड आंसर कौन देगा, रेज हैंड. व्हाट इज अ टास्क बार, टास्क बार. ओके सिमरप्रीत, अनम्यूट करो बेटे. यस, रुको दोबारा करो, अनम्यूट करो फिर से. यस मैम. बेटा व्हाट इज अ टास्क बार, नंबर 2 क्वेश्चन. लैपटॉप कंप्यूटर में तब नीचे छोटी छोटी
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। द स्मॉल लाइन, छोटी सी एक लाइन आती है आपको ऐसे ना लाइन नजर आएगी सबसे नीचे जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो डेस्कटॉप पे, उसको बोलते हैं टास्क बार। द बार एट द बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। यस जसमीत, जसमीत अनम्यूट। यस मैम। बेटा यू रेज योर हैंड। मैम को आंसर द क्वेश्चन। ओके दे दो आंसर, दे दो आप भी बताओ। मैम सेकंड क्वेश्चन का या फिर थर्ड क्वेश्चन का? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो। जो मैम डेस्कटॉप पे सबसे नीचे लाइन आती है ना वो। बिल्कुल ठीक, जो डेस्कटॉप पे बिल्कुल नीचे उसके लाइन आती है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। ठीक है, सो दीज आर द टू क्वेश्चन, नंबर वन एंड नंबर टू ऑन योर बुक। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये अब हमने कर लेने हैं, और अगर हमारा बीच में कहीं पे रुक जाए, हम कहीं रुक अटक जाए कि मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, देन डोंट वरी। ओके हम दोबारा से एक बार शेयर करके दोबारा फिर से सारा रिव्यू कर लेंगे, एंड ऑल्सो आई विल शेयर द सेम इन योर क्लास ग्रुप, आपकी क्लास ग्रुप में मैं डाल दूंगी। ठीक है, सो इसलिए हमने टेंशन नहीं लेनी कि मैम मेरा रह गया है मुझसे हुआ नहीं, आई विल शेयर एवरीथिंग। ओके चलिए अब मैं नंबर थ्री पे आ रही हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट हैपन व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, जो गोल सा बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ओके मायरा। मैम तब उसके सामने मैम बहुत सारी एप्स आ जाती हैं। हाँ जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर, जैसे मायरा ने बताया, जितनी भी एप्स होती हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन पे नजर आएंगे। ठीक है, दैट इज अ स्टार्ट बटन। चलिए नाउ सी व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर। स्टार्ट बटन शोज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम मतलब कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कितनी गेम्स है। देखो मनराज को गेम्स का पता है ना, मनराज। ओके शोज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी एप्स हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी आपको शो कहाँ होंगी? ऑन स्टार्ट बटन। ठीक है, ऑन स्टार्ट बटन। Start button shows the list of programs on the computer. Okay. So this is your question number 3 of your book. ये easy है, बहुत easy है, आप एक बार देखो read करोगे ना आप clear हो जाएगा कि what is written over here. ठीक है, चलिए now number 4. Who can give me the answer for number 4? Write down the steps to start a computer. Okay, Riddhima. रिधिमा, रिधिमा योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटे। हाँ जी बोलो बोलो। स्विच ऑन द स्विच, स्विच ऑन द पावर। वेरी गुड, अब म्यूट करो अपना माइक। वेरी गुड, एक स्टेप बता दिया। वेरी गुड, तो रिधिमा ने हमें बता दिया है फर्स्ट स्टेप, देखो स्विच ऑन द पावर। अब केशव बताएगा ना, केशव विल टेल मी द सेकंड पार्ट। केशव अनम्यूट योरसेल्फ। केशव इज नॉट एबल टू अनम्यूट। ओके हु कैन टेल मी? यस मैम। केशव स्विच ऑन द मेन पावर, उसके बाद क्या करना है? रिधिमा ने देखो बताया अभी, सबसे पहले रिधिमा ने बताया कि बटन ऑन करो, उसके बाद क्या करना है? मैम सीपीयू को दबाओ। नहीं सीपीयू को नहीं दबाना, सबसे पहले आपने दबाना है यूपीएस को। ओके इन्वर्टर जो हमने बताया था ना आपको कि कंप्यूटर में इन्वर्टर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? यूपीएस। देन वी हैव टू प्रेस द यूपीएस पावर बटन। ओके चलिए म्यूट योर माइक। वेरी गुड, ओके नाउ नंबर 3, हु विल टेल मी? रेज हैंड। नंबर 3 देखेंगे क्या होगा। ओके नाउ नंबर 3, नंबर 3 एवरीवन। ओके देयर कम्स धान्या। यस मैम। बेटा व्हाट विल बी द नंबर 3? प्रेस द सीपीयू पावर बटन। बिल्कुल ठीक, ठीक है, उसके बाद वी विल गोइंग टू प्रेस द मेन सीपीयू पावर बटन, जो उसका बटन है गोल सा, उसको प्रेस करेंगे, देन आवर कंप्यूटर विल स्टार्ट। ठीक है,
उसको टाइम देना है एंड देन वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके वेरी गुड. चलिए सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 and 4 जिसका ये वर्क हो गया है. सेंड मी अ डन मैम इन द चैट बॉक्स. जिसका इतना वर्क हो गया है दे विल टाइप डन मैम और यस मैम लिख दो, कुछ भी लिख दो. ओके मैम लिख दो, डन मैम लिख दो, ताकि मुझे पता लग जाए दैट यू हैव डन. ओके रिधिमा हैव डन, जसमीत, विनायक डन, मायरा डन, वेरी गुड, दीपिका डन बेटे, वेरी गुड, कानव डन, शगुन ऑल्सो, सिमरप्रीत, आध्या, बाकी बच्चे मान्या डन, स्मर्थ डन, वेरी गुड, हर्षदीप ऑल्सो डन, हनीन डन, धैर्य डन, वेरी गुड, मनमीत डन, वेरी गुड. मतलब बच्चे कर लो आप, है ना, कर रहे हैं सारे बच्चे. गौरव ओके वेरी गुड, भावेश वेरी गुड, एलिन कौर वेरी नाइस, भावेश, थान्या, वरेश वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. अब बहुत इजी इजी चीजें हैं, ठीक है. अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हिंट, ठीक है. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी हुई है यहाँ पे एंड यहाँ पे पता क्या करेंगे हम, ऐसे गेम खेलेंगे, ठीक है. आई विल ओनली स्पीक द नेम ऑफ द चाइल्ड. एक बच्चे का मैं नेम बोलूंगी, सिर्फ वही आंसर लिखेगा चैट बॉक्स पे. ओके ठीक है. चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट ब्लैंक. And the answer will be given by, let me see who will give answer. Answer will be given by Fateh Deep Singh from Green Section 14, roll number. Fateh will give the answer. First question is, dash is a bar at the bottom of the desktop. Dash is a bar at the bottom of the desktop. Fateh will write the answer. Baki bache wait karenge. Fateh ke likhne ke baad then you will write. Okay. Chaliye shabash, shabash. Fateh, give answer for number one. Okay, Fateh is not able to. Okay, now let's give me turn to Itashvir. Itashvir, aap likh do. What will be the answer for number one? Likho answer. Dash is a bar at the bottom of the desktop. Abhi humne question answer mein bhi likha hai. Write in the chat box. प्रभगुन राइट इन द चैट बॉक्स. प्रभगुन कौर चैट बॉक्स पे लिख दो. व्हाट विल बी द आंसर फॉर इट. आंसर क्या होगा. शाबाश. यस वेरी गुड. विनायक ने दिया है देखो आंसर. प्रभगुन ने भी दे दिया. वेरी गुड प्रभगुन. देखो अब बच्चों ने आंसर दिए है ना. चलो फर्स्ट आंसर देखो हमारे पास आ गया है. टास्क बार इज एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. ठीक है वेरी गुड. देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो. ओके चलो अब नेक्स्ट टर्न आएगी. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं फिर आपको बताती हूँ किसकी टर्न आएगी. सेकंड क्वेश्चन इज डैश आर शॉर्टकट्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर. कहता कि छोटे छोटे बने होते हैं डेस्कटॉप पे जिसको क्या बोलते हैं. वेट करो गुरवीर. टर्न विल बी ऑफ गिरीश गुलाटी फ्रॉम सेकेंड पिंक 13 रोल नंबर. Girish Gulati will give the answer for number 2 blank. Okay, Gunjan. Girish, give the answer for number 2 in the chat box. Dekho, baki bachche likh rahe hain. Girish nahi likh raha. Hai na? Girish, turn do beta apni. Okay, Girish doesn't want to write, that means. Okay, now give me turn to, let me give you turn to Karmanjot. Yes, Girish ने अभी आंसर दे दिया. वेरी गुड. ठीक है तो गिरीश ने आंसर दे दिया. दैट इज आइकन्स. आइकन्स ही होती है छोटी छोटी पिक्चर्स दैट यू कैन सी. ओके चलो बहुत अच्छे हैं गिरीश. वेरी गुड. ठीक है जल्दी जल्दी लिख दिया करो. चलो अब नंबर 3 क्वेश्चन. वी शुड क्लिक ऑन द डैश बटन इफ वी वॉन्ट टू शट डाउन योर कंप्यूटर. अगर कहता हम अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो कौन से बटन पे सबसे पहले कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे. सो आंसर विल बी गिवन बाय प्रभगुन नहीं देगी आंसर. अब कोई और बच्चा देगा. आंसर विल बी गिवन बाय लेट मी सी नवराज. नवराज सिंह. नवराज सिंह विल गिव द आंसर. नवराज सिंह फ्रॉम सेकेंड ग्रीन रोल नंबर 47. चलो शाबाश. Give the answer for it. Doesn't want to write. Okay, बाकी बच्चे लिख दें. मनराज ने भी लिख दिया. सिमरप्रीत also. Very good, Myra. Myra ने सारे कर लिए. Very good. चलो बच्चों ने आंसर दे दिया. So we will consider the student's answer. नवराज, very good.
अब आंसर दिया नवराज ने, वेरी नाइस नवराज, वी शुड क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। अगर आपने अपना कंप्यूटर बंद करना है तो हमने क्लिक कहाँ करना है, ऑन स्टार्ट बटन। ओके सो लास्ट वन बहुत इजी है, वी शुड नॉट टच द डैश ऑफ कंप्यूटर्स। हमें कंप्यूटर की क्या टच नहीं करनी चाहिए, और आंसर साथ में ही आ गया, वेरी गुड नवराज, वेरी गुड मान्या, वेरी गुड सिमरप्रीत, आंसर इज करेक्ट, दैट इज वायर्स। हमने उसकी जितनी भी वायर्स होती हैं, तार होती हैं, उनको टच नहीं करना है, ठीक है। सो दीज आर योर ब्लैंक्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज अ रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमने इनको रीअरेंज करना है, आपके कंप्यूटर को ऑन करने का आपको मेथड बता दिया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आपने सिंपल ना मुझे पॉइंट बता देना है कि क्या आएगा सबसे पहले, कौन सा नंबर आएगा। Who will tell me? Okay, raise hand, जो मुझे बता सकता है, raise hand, those who can tell me. हर्षदीप, can you tell me? हर्षदीप कौर, हर्षदीप कौर अनम्यूट करो बेटे। Yes ma'am. बेटे सबसे पहले क्या आएगा अगर हमने कंप्यूटर को ऑन करना है, सबसे पहले क्या आएगा ma'am? मैम स्विच ऑन द पावर बटन। क्या बात, वेरी गुड, स्विच ऑन द पावर बटन। तो स्विच ऑन द पावर बटन के सामने नंबर वन डाल दो, ठीक है, नंबर वन आ गया। अब नंबर टू के लिए आंसर देगा, लेट मी सी, केशव ही आंसर देगा। केशव गिव आंसर फॉर नंबर टू नाउ। अब केशव को लर्न हो जाना चाहिए। केशव गिव आंसर फॉर नंबर टू, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। अब दो आंसर, गुड आफ्टरनून बेटे। अब हमने स्विच ऑन कर ली, पावर बटन दबा दिया, अब उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? ओके डोंट नो, शिव योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, सो म्यूट योर माइक बेटे। चलिए सो नंबर टू विल बी प्रेस द यूपीएस पावर बटन। नंबर टू पे क्या आएगा, प्रेस द यूपीएस पावर बटन, ठीक है। चलो अब नंबर थ्री पे क्या आएगा, ओके आंसर विल बी गिवन बाय, लेट मी सी हू विल गिव आंसर, तन्वी, तन्वी, तन्वी अनम्यूट करो बेटे। यस मैम। बेटा व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, नंबर थ्री पे कौन सा स्टेप आएगा? यू आर कंप्यूटर इज नाउ ऑन, ठीक है, बट ये तो लास्ट स्टेप हो गया ना, हमने नंबर थ्री वाला स्टेप बताना है। सो नंबर थ्री विल बी द प्रेस द सिस्टम यूनिट पावर बटन एंड देन कम्स नंबर फोर, योर कंप्यूटर इज नाउ ऑन, ठीक है। 2 1 4 3 ये है इसका करेक्ट ऑर्डर। सिस्टम यूनिट में सीपीयू को ही बोलते हैं, जो सीपीयू का बॉक्स होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, यही आएगा आंसर। ओके सो दिस इज योर सीक्वेंस 2 1 4 3। अब हम आगे देखते हैं नाउ। अब आपने पता क्या करना है, ये डी क्वेश्चन है, इसमें आपको देखो सर्कल दिए हुए है ना, हर स्टेटमेंट के आगे सर्कल है, आपने उसकी एक हैप्पी स्माइली बनानी या उसकी आपने सैड स्माइली बनानी, ठीक है, दिस इज योर वर्क। आप उसकी या तो हैप्पी वाली स्माइली बनाओगे या उसकी सैड वाली स्माइली बनाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन देखो पूछा है, ओके प्रेस द बटन टू हार्ड। हमने जो अपने कंप्यूटर के बटन होते हैं उसको जोर जोर से दबाना है, तो दबाना चाहिए, कानम ने आंसर दे दिया दैट इज रॉन्ग, नहीं दबाना है। सिमरप्रीत वेरी गुड, सो दिस इज रॉन्ग, तो आपने क्या करना है, स्माइली को सैड स्माइली में बना देना है, ठीक है, उसकी सैड स्माइली बना दो। अमायरा यू हैव डन दिस, वेरी गुड, वेरी नाइस। रिदिमा वेरी गुड, इताश वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा चलो अगला देखो, कीप फूड आइटम्स नियर टू द कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर पे आप अपनी सारी चीजें रख के बैठ जाओ, सारा कुछ खाने का सामान जो होता है सारा कुछ रख के बैठ जाओ। सो बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऐसा नहीं करते कभी भी, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, वेरी गुड, वेरी गुड एलिन, वेरी गुड नवराज, इताश्वी वेरी गुड, शगुन, सो ये भी नो है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। चलो अब नंबर थ्री देखो, ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। कहता है कंप्यूटर को जब बंद करना है तो आपने सीधे डायरेक्ट स्विच नहीं बंद कर देना,
ठीक है, उसको पहले प्रॉपरली मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने बंद करना है। सो ये क्या आएगी, एक हैप्पी स्माइली आएगी, अ हैप्पी स्माइली, वेरी गुड भावेश। देखो बच्चे स्माइलीज भेज रहे हैं चैट बॉक्स पे, दैट इज वेरी गुड, वेरी नाइस रियांश, धान्या, शगुन, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अगला है नंबर फोर देखेंगे, कीप द कंप्यूटर टेबल ऑलवेज क्लीन एंड डस्ट फ्री। आपके कंप्यूटर जहां आप रखते हो उसको कहते हैं बिल्कुल साफ रखो, बिल्कुल क्लीन रखो, उस पर कोई मिट्टी ना हो। तो ये क्या आएगा, एलिन, वेरी गुड ताश्वीर, वेरी गुड मानिया, यू हैव डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आंसर्स मैच करते जाओ, ठीक है, करते जाओ और आंसर्स अपने मैथ साथ में मेरे साथ करते जाओ। आंसर विल बी, ये भी क्या आएगा, हैप्पी स्माइली विल बी देयर, ओके, ये भी एक ट्रू है, ठीक है। सो पहली टू होगी हमारी सैड वाली और नेक्स्ट हमारी है हैप्पी वाली स्माइल, ठीक है, ये हमारा वर्क डन। अब हम आगे हैं ई पे, ई क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स आपने बताना है। चलो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या आएगा, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यस कनव, वेरी गुड, ये है हमारा ट्रू। जसमीत, वेरी गुड रिदिमा, ये है ट्रू, ठीक है। इसके आगे बॉक्स में आप लिख दो टी, ठीक है, इसको टी लिख लो, वेरी गुड फतेह, वेरी गुड गौरव, सौम्या, भावेश, वेरी गुड। चलो नंबर टू, कंप्यूटर इज नॉट अ मशीन, कहता कंप्यूटर मशीन ही नहीं है, तो ये तो पता है हम सबको, बच्चों को पता ही है कि कंप्यूटर तो मशीन है, ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है, सो दिस इज फॉल्स। इजी है, बहुत इजी है ये, है ना, इताश्वीर, फतेह, वेरी गुड मनमीत, वेरी गुड पारस, ये तो बहुत इजी है, बच्चे कर लेते हैं अपने आप, है ना। चलो दीपिका वेट करो, कोई थर्ड क्वेश्चन रीड करने दो, ओके। कीबोर्ड गिव्स पावर टू द कंप्यूटर, कहता कीबोर्ड से ही पावर मिलती है कंप्यूटर को, नहीं मिलती, कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए यूज होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, वेरी गुड सौम्या, यू हैव डन, वेरी नाइस, चलो शाबाश, फॉल्स, फॉल्स, वेरी गुड, ओके। नाउ नंबर फोर पे मैं आ रही हूँ, ऑल्ट प्लस एफ थ्री, ये आपके लिए डिफरेंट चीज है, ऑल्ट प्लस एफ थ्री की विल शट डाउन द कंप्यूटर, ठीक है। तो आपके जो कीबोर्ड होते हैं ना उसमें आप ऐसी कुछ मैजिकल सी कीज होती हैं जिनको अगर आप प्रेस करोगे तो आपका काम बन जाता है, कोई भी काम करना ना वो इजिली हो जाता है अगर आप उनको प्रेस करोगे। सो कहता है ऑल्ट प्लस एफ थ्री विल शट डाउन योर कंप्यूटर, तो ये आंसर है आपका फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज ऑल्ट प्लस एफ फोर होती है की, ठीक है, ये आगे आपको कीज आएंगी सारी की सारी कि F4 की को जब आप प्रेस करोगे तब आपका कंप्यूटर बंद होता है, F3 से बंद नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रू फॉल्स। अब इतना वर्क किसका किसका हो गया, रेज हैंड दोज हु हैव डन, रेज हैंड जिन्होंने इतना इतना वर्क कर लिया है, यस यस, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश, ओके। चलिए आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन, ओके, ठीक है, चलिए ये हो गया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब हम आगे चलते हैं, नाउ आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। चलिए नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ योर बुक, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। अब आपने क्या करना है, इनके स्पेलिंग टिक करनी है, ठीक है, जो स्पेलिंग ठीक है हमने उनको टिक करना है, बाकियों को नहीं हमने टच करना है, ठीक है। उनके सामने देखो हर स्पेलिंग के आगे एक बॉक्स बना है, ठीक है, एक सिंपल सा बॉक्स है, आपने उसके अंदर टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए नाउ वी विल स्टार्ट विद नंबर वन, देखो कंप्यूटर की स्पेलिंग कौन सा ठीक है, मानिया, यू हैव डन ऑल, वेरी गुड। चलो अब मुझे कंप्यूटर की स्पेलिंग बताओ, 1 2 3, तीनों में से कौन सा ठीक है, 1 2 3, शगुन सेड 1, ओके, मान्या ऑल्सो सेड 1, रिधिमा 1, ध्रुव ने सारे कर लिए, वेरी गुड ध्रुव, ओके, समर्थ डन, वेरी गुड, दीपिका सेड 1, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं आंसर, आंसर इज करेक्ट बाय ऑल, गिवन बाय ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज 1, सबके आंसर्स 1 आए ना, सबके आंसर 1 आए, ठीक है। हर्षित ने भी सारे कर लिए, वेरी गुड। अच्छा अपने लिए क्लैपिंग तो करो, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप करो कि मैम मुझे देखो आता था ये, है ना, क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए क्लैपिंग करो, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, क्लैपिंग करनी है अपने लिए। चलो अब देखो आगे देखते हैं नंबर टू ऑफ योर बुक, दैट इज डेस्कटॉप की स्पेलिंग हमने ढूंढनी है, 1 2 3, अब इन तीनों में से कौन से स्पेलिंग ठीक है, सी ओवर हेयर,
1, 2, 3. अब तीनों में से स्पेलिंग ठीक है. लेट मी चेक आंसर गिवन बाय यू. दैट इज ओवर हियर इज नंबर 3. वेरी गुड इताश्वी, गुड सिमर, वेरी गुड मान्या, वेरी नाइस. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ठीक है, चलो अब हम आगे देख रहे हैं. व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज आइकन की स्पेलिंग ढूंढने. ठीक है, करेक्ट आंसर फॉर आइकन 1, 2, 3. तीनों मिसेस करेक्ट आंसर आइकन के कौन से. वेरी गुड जसमीत, आर्ध्या वेरी गुड, हर्षित मान्या बिल्कुल ठीक, आपके आंसर्स हैं सारे ठीक है. मनमीत वेरी गुड. सो करेक्ट आंसर इज नंबर 1. ठीक है, 1 ही इसका करेक्ट आंसर है. नाउ अब हमने करना है नंबर 4 के कौन से करेक्ट आंसर. शट डाउन के स्पेलिंग हमने ढूंढने. एंड यू ऑल कैन सी इज द 3rd विच इज द करेक्ट 1. अब 3rd ही इसमें करेक्ट है. ठीक है, तो हमने कर लिया 1, 3, 1, 3. हमें करेक्ट आंसर्स मिल गए सबको. 3 पेजेस आर डन. वेरी गुड, वेरी नाइस फतेहदीप, वेरी गुड तनुज, धान्या वेरी गुड. ठीक है, सबके आंसर बिल्कुल ठीक है. आर्यन बिल्कुल ठीक आंसर है. शुभकर्मन वेरी गुड, वेरी गुड. हर्षदीप, इताश्वीर बिल्कुल ठीक आंसर है. ठीक है, चलो अब हम आगे चल रहे हैं. अब हम आगे जाएंगे टू जी क्वेश्चन. अब जी क्वेश्चन में क्या है, आपको देखो पिक्चर्स गिवन है. 1, 2, 3, 4 पिक्चर्स गिवन है. ठीक है, अब एबीसी में भी लिखे हुए हैं, है ना. अब एबीसी के सामने देखो एक बॉक्स बना हुआ है, छोटे छोटे 4 बॉक्स बने हुए हैं, येलो कलर बॉक्स में बॉक्स बने हैं ना छोटे छोटे. आपने उसमें 1, 2, 3, 4 ढूंढ के लिखना है कि फर्स्ट का आंसर देखो क्या आएगा. ओके दमानिया यू हैव डन. ओके चलो अब देखो यूपीएस ढूंढो. इन 4 पिक्चर्स में यूपीएस कौन सा है, यूपीएस पिक्चर कौन सी है इन 4 पिक्चर्स में. वेरी गुड, वेरी गुड मान्या, रिद्धिमा वेरी नाइस. ए नहीं हमने लिखना, हमने वहां पे लिखना है 1. यूपीएस के सामने लिख दो 1. ठीक है, चलो 1 हो गया. अब नंबर 2 ढूंढो. नंबर 2 ढूंढेंगे. चलो शाबाश, हां जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. नंबर 2. अब नंबर 2 पे देखो है ये पिक्चर किसकी आएगी. नंबर 2 पिक्चर सिस्टम. अच्छा चलो सिस्टम यूनिट ढूंढो. सबसे पहले सिस्टम यूनिट ढूंढो. सिस्टम यूनिट जो सीपीयू का बॉक्स होता है ना, जिसके अंदर सीपीयू हमने डाला होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट. यस बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो मान्या, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो. ठीक है, अब हमने ढूंढना है मॉनिटर को. मॉनिटर देखो कौन सा आएगा, और उसके बाद लास्ट में आइकन. ठीक है, आइकन मीन्स छोटा सा पिक्चर, जो छोटी सी पिक्चर बनी होती है कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, उसको बोलना है आइकन. ठीक है, तो ये आप ढूंढो. शाबाश, सारे बच्चे ढूंढेंगे. एवरीवन विल सर्च. ओके टिल द टाइम आई एम शेयरिंग योर अटेंडेंस लिंक विद यू इन द चैट बॉक्स. सो आप इसको फिल भी करते जाओ. ठीक है, एंड फिल ओनली वंस. दो दो बार, तीन तीन बार नहीं करना, एक ही बार फिल करना है. ठीक है, आई एम शेयरिंग लिंक अगेन, आप करते जाओ. ठीक है, चलो भावेश डोंट पेस्ट एनीथिंग इन द चैट बॉक्स, ओनली योर मैम कैन पेस्ट इट. आप नहीं पेस्ट करोगे. ओके चलो, सो मैं आपको करेक्ट आंसर्स यहाँ पे दिखा रही हूँ. द करेक्ट आंसर इज 1, 4, 2, 3. ठीक है, आपको देखो मिल गया. अब नंबर 2 पे देखो मॉनिटर हमें मिल गया. नंबर 3 पे जो आपको पिक्चर है दैट इज आइकन, दैट इज आइकन ऑफ माई कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में एक होता है माई कंप्यूटर आइकन होता है, उसको बोलते हैं. ठीक है, आई एम पेस्टिंग द लिंक अगेन एंड अगेन, तो आप फिल करते जाओ. ठीक है, अटेंडेंस अपनी मार्क कर लो. सो दिस वॉज योर जी क्वेश्चन 1, 4, 2, 3. ईजी है ये भी, बहुत ईजी है. किसको ईजी नहीं लगा. दोज वुड थिंक कि मैम ये तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो रहा. किसको टफ लग रहा है, बहुत ईजी है ना. यस और नो, ईजी. समर्थ मान्या तन्वी डन, अटेंडेंस फॉर्म डन, वेरी गुड. ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है. पेज नंबर है आपकी बुक में 62. ये कलर द बिलो पिक्चर है, तो आप अपना कलर, आपको जो कलर पसंद है आप फिल कर लो. ठीक है, आपकी मर्जी है. वट एवर कलर यू वॉन्ट टू कलर ओवर हेयर, तो आप अपने कलर्स इसमें फिल कर लो. ठीक है, यू कैन कलर एनी थिंग यू वॉन्ट. ओके दिस इज फॉर यू, ये आपका वर्क है, आपने अपने आप अपने इसमें कलर फिल करने हैं. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे. आई होप यू ऑल हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस. लेट मी स्टॉप शेयरिंग.